Don't forget to subscribe my channel and must press the bell icon to get all notification of new videos. Thank you so much. वेलकम बैक टू माई चैनल आर्ट विद महा मुजम्मिल। आज की जो वीडियो है आपने उसको देखना तो है ही, लेकिन सुनना बहुत गौर से है क्योंकि जो वीडियो है वो स्पीड में है, तो इसका फुल लेसन मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। क्योंकि आज की जो वीडियो थी उसके अंदर मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी थी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शेयर करने वाली हैं, स्पेशली न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए और न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सबसे पहले अपने न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये बताना चाहूँगी कि आप लोग जैसे ही, मतलब अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अभी रिसेंटली आपने क्लासेस को ज्वाइन किया है, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से काम होता है मेरे ग्रुप में, मेरे चैनल पे, या आपको किस तरह से लेसन्स को फॉलो करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने चैनल से रिलेटेड। आर्ट विद महा मुजम्मिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चैनल बनाया है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, ज़रूरी नहीं है वो फाइनेंशियली इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उनके पास टाइम नहीं है, कॉलेज नहीं जा सकते, कोई शॉर्ट कोर्सेज जो है क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, और भी बहुत सारी फीमेल्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैरिड हैं, उन लोगों के पास टाइम नहीं है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकें, तो उनके लिए ये बेसिकली चैनल बनाया है। उन लोगों को बहुत शौक होता है जिन लोगों को फाइन आर्ट सीखने का, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए चैनल बनाया है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, बल्कि वो एक प्लेलिस्ट है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्पेशली जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी न्यू मेंबर्स हैं, आप लोग ज़रूर उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से आपने काम करना है, किस तरह से क्लासेस को स्टार्ट करना है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया चैनल से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं क्लासेस की। क्लासेस इस तरह से होती हैं कि मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मैं कोई भी लेसन वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बाद उसका दो से तीन या चार दिन मिलते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के बाद हर वीकेंड पे मैं आप लोगों को एक टेस्ट दूंगी। ज़रूरी नहीं है अगर आप लोग बिजी हैं या कोई काम है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को क्लासेस में से या ग्रुप में से मैं आप लोगों को निकाल दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपके पास टाइम हो, ये आप लोगों के लिए ही बनाया चैनल, तो आप लोगों को जब ईजी लगे, जब आप लोगों के पास टाइम हो, आप तब काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पे आपने जो बहुत ज़रूरी काम करना है वो ये है कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आगे जो सेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए मुझे आप लोगों का, मतलब ओवरव्यू चाहिए कि किसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आज आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो भी, अगर कुछ बताना है तो भी, और जो भी अभी आगे मैं क्वेश्चंस करूँगी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आप लोगों को सीखनी पूछनी हो, आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट ज़रूर किया करें। और आज आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होंगे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस किस को कितना ज़्यादा क्रेज़ है ये काम सीखने के लिए। सो ये क्लासेस से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिए जो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सीरियल वाइज सारे लेसन मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको समझ नहीं आ रही कौन से बात कौन सा लेसन है, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, आप लोगों को सारे लेसन का पता चल जाएगा। तो अब मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स की तरफ आती हूँ। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, क्योंकि अभी हम आगे पेंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, कैलीग्राफी मैं सीख रही हूँ, कैलीग्राफी की क्लासेस, डिज़ाइनिंग, ये वो सब कुछ स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। तो डिज़ाइनिंग तो आप लड़कियां हैं वो इजीली कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन बना लेती हैं, अगर किसी फैब्रिक पे देख लेती हैं या कहीं पे भी कोई अच्छा सा डिज़ाइन देख लें, अगर मेहंदी का शौक है जिन लोगों को वो खुद से भी बहुत अच्छे डिज़ाइन बना लेते हैं। बट ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होते हैं जो इस्लामिक पेंटिंग्स के अंदर जो पैटर्न्स यूज होते हैं, और ये अरबिक पेंटिंग्स जितनी भी आपने देखी हैं, कैलीग्राफी की पेंटिंग्स देखी हैं, इसमें जितने भी डिज़ाइन इसमें काम होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को इन डिज़ाइन से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड भी काफ़ी लेसन्स दें। तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है जिन जिन लोगों को सीखना है, वो सीखना चाहते हैं, जिनको क्रेज़ है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, कमेंट में ज़रूर अपनी फीडबैक भी देनी है, और अगर कोई सजेशंस हैं वो भी आपने बताने हैं। तो
लास्ट जो हमारे लेसन्स चल रहे थे वो पेंटिंग से रिलेटेड थे. मैंने आप लोगों को कहा था कि अब हम पेंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं. मैंने आप लोगों को ब्रशेस से रिलेटेड, पेंट से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाई थी. लेकिन अभी मैं पेंटिंग्स इसलिए नहीं स्टार्ट करवा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी स्केचिंग परफेक्ट नहीं हुई है. तो मैं ये चाहती हूँ कि जब आप लोगों की स्केचिंग परफेक्ट हो जाए, क्योंकि जब आप पेपर पे काम करते हैं, अगर आप स्केच बनाते हैं तो कोई मिस्टेक होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसको रेज कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं. लेकिन जब आप कैनवस पे पेंटिंग करेंगे तो उसके लिए भी आप लोगों का स्केच, आपकी ड्राइंग, आपका बेसिक स्केच परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर सारा कुछ बनता है, उसी के ऊपर सारे पेंटिंग कलर्स होते हैं. तो जब तक आप लोगों की स्केचिंग और ड्राइंग परफेक्ट नहीं हो जाती तो आप लोग पेंटिंग में भी परफेक्ट नहीं हो सकते. सो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस किया करें. प्रैक्टिस के लेसन्स मैंने आप लोगों को स्टार्ट में दे दिए थे. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये चीज मैं अपने हर लेसन में कहती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, आप देखा ही ना करें, सुना भी करें, सुन के उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन को जरूर रीड आउट किया करें, क्योंकि काफी सारे लिंक्स मैंने उसमें दिए होते हैं. तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे लगेगा कि अब आप लोगों को पेंटिंग की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके कलर्स, आपके कैनवस जो हैं वो उसके ऊपर फिर रेज नहीं हो सकते या वो कलर्स वॉश नहीं हो सकते. तो मैं नहीं चाहती कि आपके कलर्स या आपका कैनवस या आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो. इसलिए अभी हम अपना जो बेसिक जो है कॉन्सेंट्रेट वो स्केचिंग और ड्राइंग पे देंगे. इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को मैं पेंटिंग भी स्टार्ट करवाऊंगी. तब तक अभी थोड़ा सा डिफरेंट काम जो है वो डिजाइनिंग का है. तो डिजाइनिंग से रिलेटेड आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है कि किस किस को इंटरेस्ट है, किस किस को क्रेज है, कौन कौन ये सीखना चाहता है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जो मेजोरिटी विंस यू नो. तो अगर ज्यादा लोग इसको प्रेफर करेंगे कि उन्होंने सीखना है इस डिजाइन को, तो ही मैं इसके मोर जो है फर्दर लेसन जो है वो अपलोड करूंगी. अगर आप लोगों को अभी पेंटिंग या स्केचिंग ही सीखनी है तो फिर मैं उसी से रिलेटेड लेसन्स बनाऊंगी, ताकि फिर ऑब्वियसली चैनल आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को सीखना है, जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है, मैं वही अपलोड करना चाहूंगी. तो फीडबैक जरूर देनी है, सजेशंस भी हैं तो भी जरूर दें. वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोगों ने वो भी बताना है. कमेंट जरूर किया करें और आज आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि लाइक ज्यादा होते हैं तो वो मुझे खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है. सो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. इंशाल्लाह हम आगे अपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन स्टार्ट करने वाले हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.